हेलो एवरीवन, आज के इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अगेन अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही क्लोज हुए हैं। और जैसे कि हमने सुबह बताया था, वैसे ही मार्केट में सेकेंड हाफ में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिला। बट हम इस वोलेटिलिटी को ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहां से बियरिश है। ये वोलेटिलिटी का मेन रीजन था लास्ट डे होने की वजह से काफी सारे लोग अपने पोर्टफोलियोज को, अपने ईटीएफ्स को रीबैलेंस करते हैं, तो उसके वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी आने की चांसेस ज्यादा होता है। इसीलिए हमने सुबह वार्निंग भी दिया था कि सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बट जब तक मार्केट में वॉल्यूम है और पिछले 3 दिन की अगर हम ट्रेंड देखें तो मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी है। और ग्लोबल फ्रंट में ऐसा कोई भी न्यूज नहीं आया है जहां पे कि मार्केट को कोई बहुत ज्यादा कंसर्न लेने की जरूरत है। अगर आज के दिन में हम टॉप गेनर्स देखें तो टॉप गेनर्स है जेएसडब्ल्यू स्टील, एचयूएल, ब्रिटानिया, जैसे शेयर हमने लाकर भी बोला था कि देर आर सम चांसेस के यहां से एफएमसीजी कंपनीज में बॉटम बनता दिखे और धीरे धीरे करके वहां पर रिवाइवल आए। प्रोबेबली वी आर समवेयर एट द एंड ऑफ द लोअर साइड ऑफ एफएमसीजी सेक्टर। जैसे ही इन्फ्लेशन का डेटा आएगा हो सकता है कि और थोड़ा करेक्शन देखें, तो यहां से 5-7% का करेक्शन आ सकता है। बट इट इज ए टाइम दैट यू शुड एक्यूमुलेट स्टॉक्स इन एफएमसीजी सेक्टर। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी करीब करीब फ्लैट ही क्लोज हुआ है थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ। और आज के लिए एक सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है एयू बैंक में, और एयू बैंक इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। तो आप भी हमारे वेबसाइट पे आके पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक दैट राइट इन्वेस्टमेंट। अगर हम सेक्टरली देखें तो आज के लिए सारे के सारे सेक्टर फ्लैट क्लोज हुए हैं। और अगर सबसे ज्यादा कहीं पे बिकवाली देखने को मिला है तो वो फार्मा में, और सबसे पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है कंजप्शन बेस्ड सेक्टर पे। अगर आगे के लिए हम अपने रुझान रखें तो जैसे कि हमने पहले बोला था, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू क्रिएट प्रेशर ऑन ऑल द कंपनीज बैलेंस शीट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन। तो आप धीरे धीरे करके एसआईपी के जरिए अपने पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करें। हम हमारे सारे के सारे क्लाइंट्स को वही एडवाइस कर रहे हैं आज के दिन में कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर अप्रोच है आज के दिन में टू बिल्ड वेल्थ। और आगे के लिए 1 से 2 क्वार्टर के लिए आप इस एसआईपी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू करें और आपके वो मनपसंद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जहां पे आप पिछले साल इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी भी काफी सारे स्टॉक्स है जो कि अपने हाई से 30-40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, सो उस पे आप इन्वेस्ट करें एंड श्योरली यू विल बी गोइंग टू गेट द बेनिफिट इन अ लॉन्गर टर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।